हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर वी पी सिंह कादियान जी, आदरणीय अशोक अरोड़ा जी, आदरणीय रघुवीर मलिक जी, आदरणीय कुलदीप शर्मा जी, हमारे गीता भुक्कल जी, जयप्रकाश जी, सभी विधायकगण, भाई जयवीर वाल्मीकि जी, विजय लाल सैनी जी, विधायक रघुवीर वाल्मीकि जी, भाई विधायक मेवा सिंह जी, हमारे भाई विधायक शिषपाल केहरवाला जी, विधायक कुलदीप वत्स जी, विधायक सुभाष गांगुली जी, विधायक हमारी बहन शकुंतला खटक जी, हमारे विधायक भारत भूषण बत्तेरा जी, हमारे बहुत ही आदरणीय आनंद सिंह दांगी जी, हमारे विधायक डॉक्टर साहब, अपना जयप्रकाश जी, सुरेंद्र पवार जी, भाई वरुण मुलाना जी, दादी तला मेरा वरुण मुलाना जी, हमारे सभी, हो सकता है किसी का जो है, सभी हमारे बहुत से हमारे पूर्व विधायक और सारे जो वरिष्ठ जो कांग्रेस पार्टी के आसपास के पूरे हरियाणा से जो लोग यहाँ पे आए हैं और पत्रकार साथियों, आज बहुत महत्वपूर्ण चुनाव की शुरुआत हुई बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र से। उससे पहले मैं एक बार फिर आप सब से, शुरुआत में मैंने एक बात की थी, दोबारा से मैं आप सबसे बहुत माफ़ी मांगता हूँ अपने निजी तरफ से, और बहुत क्षमा याचना करता हूँ क्योंकि आज एक ऐसी महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग हुई, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया, जो डॉक्टर हर्षमोहन भारद्वाज जी हैं बरवाला से, जिन पे मुख्यमंत्री जी ने अहंकार और घमंड की सीमाएं लांघते हुए जिनको कहा था कि गठबंधन की बात कही थी, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था, आज उन्होंने एक साल का धैर्य तोड़ते हुए उन्होंने कहा कि इस धर्म और अधर्म की लड़ाई में, न्याय अन्याय की लड़ाई में, वो पूरा कांग्रेस पार्टी को और हुड्डा साहब को साथ देने का उन्होंने निर्णय लिया। बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी सभा बरवाला में आयोजित की गई और हजारों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर उस सभा में एक फैसला किया, पंचायती तौर से कुलदीप वत्स जी थे उसमें, पंचायत करके एक फैसला किया गया कि पूरा बरवाला का, छत्तीस बिरादरी का समाज बरवाला था, वो पूरा बड़ौदा हल्के के अंदर चुनाव के अंदर न्याय और अन्याय की इस लड़ाई में साथ हमारा देगा। उसकी वजह से लेट हो गए और बरवाला में ही जो गीता जी कह रही थी कि वो भी बरवाला में जो दूसरे उनके विधायक थे, उन्होंने जो है चेयरमैनी के पद से इस्तीफा दे रखा था। ये प्रदेश के हालात हैं कि इस्तीफा दे रखा था, मतलब चेयरमैनी का पद लिया नहीं, क्योंकि इस सरकार से मैं क्या लूँ जो किसान को कुछ दे नहीं सकती, गरीब आदमी को कुछ दे सकती, मैं भी चेयरमैन हूँ, दो सरकारी विधायकों के हाल है। तो खैर, बड़ौदा का चुनाव हम तीन चार मेन मुद्दों पर लड़ेंगे। पहला मुद्दा प्रदेश की दुर्दशा, प्रदेश को बर्बादी के द्वार तक लाके खड़ा कर दिया सरकार के 6 साल और मोदी सरकार के, तो लगभग 7.25 साल के कार्यकाल के बाद, 7 साल के लगभग हो गए, 7.25 साल उसके कार्यकाल के बाद, आज हमारा प्रदेश, हरियाणा प्रदेश, जो 2014 में विकास दर में देश में नंबर एक था, प्रति व्यक्ति आय में नंबर एक था, खुशहाली थी जिस प्रदेश में, किसान खुशहाल था, खेल खिलाड़ियों के विषयों में नंबर एक था, हरियाणा आगे बढ़ रहा था, निवेश में नंबर एक पे था, आज इस लंबे सरकार के कार्यकाल के बाद वो हरियाणा आज बेरोजगारी में नंबर एक है, निवेश में छोड़ो, बेरोजगारी में नंबर एक, भ्रष्टाचार में नंबर एक, और भ्रष्टाचार की सीमाएं ऐसी टूटी कि कोरोना के टाइम भी, लॉकडाउन में भी, कहीं शराब घोटाला, कहीं रजिस्ट्री घोटाला, जनता को कैसे लूटे, केवल एक नियत से सरकार चल रही, बेरोजगारी में नंबर एक, भ्रष्टाचार में नंबर एक, आपस के सामाजिक रिश्तों को बिगाड़ना नंबर एक, अपराध में नंबर एक, और ये मैं अपराध में नंबर एक अपने कहने की बात नहीं कह रहा, भारत सरकार के आंकड़े, बेरोजगारी में नंबर एक, CMI के पूरे देश के आंकड़े प्रकाशित, आंकड़े हर महीने के आंकड़े आते हैं, पिछले एक साल से हर महीने के आंकड़े हैं, एक महीना त्रिपुरा आया था हमसे ऊपर, नहीं तो हर महीने हरियाणा नंबर एक, बिहार और उत्तर प्रदेश हमसे नीचे, पहले हरियाणा इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था, कहीं IMT लग रही थी, कहीं उद्योग लग रहे थे, कहीं नेशनल हाईवे आ रहे थे, कहीं बड़े बड़े संस्थान बन रहे थे, कहीं यूनिवर्सिटीज, जैसे बड़ौदा गोहाना के बीच में खानपुर महिला विश्वविद्यालय बना, मेडिकल कॉलेज खानपुर बना, ऐसे मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज लग रही थी हरियाणा में, और हरियाणा विकास की तरफ आगे बढ़ रहा था, विकास की डोर टूट गई, हरियाणा का बुरा हाल हो गया, हर वर्ग का बुरा हाल हो गया।
किसान की दुर्दशा आपके सामने है। मैं कोई अमित से पहले बोल चुके, मैं ज्यादा उस पर नहीं कहूंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर किसान की दुर्दशा। और अब तो पहले तो बात होती थी कि एमएसपी पे सीटू का फॉर्मूला स्वामीनाथन लागू करके एमएसपी बढ़ाओ, अब ये हो गया एमएसपी बचाओ। एमएसपी बढ़ाओ नहीं, एमएसपी बचाओ। किसान की दुर्दशा, नौजवान की दुर्दशा, सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर, गरीब आदमी की दुर्दशा, सबसे ज्यादा आर्थिक मंदी की चोट पड़ी है तो गरीब आदमी पे पड़ी है। सारी जो जन कल्याण की नीतियां चल रही थी उन नीतियों को तोड़ मरोड़ करने का काम किया है। अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना थी गरीब आदमी के लिए, उसका सबसे बड़ा घोटाला कहां हुआ? सोनीपत में हुआ। उस योजना को आधा कर दिया। 100-100 गज की प्लॉट की हमारी स्कीम खत्म कर दी, मकान की स्कीम हमारी खत्म कर दी, जो इंदिरा आवास योजना मिलता था। बड़ौदा कह के गांव में आप जाके पूछो सरपंचों से कितने मकान आए, गरीब आदमी से पूछो इन 6 साल में कितने मकान आए, आपको जवाब नहीं मिलेगा। एक मकान भी किसी गरीब आदमी का इन 6 साल में गांव के अंदर नहीं आया। मकान की स्कीम बंद, दाल रोटी की स्कीम बंद, मनरेगा की स्कीम आदि, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर छात्रवृत्ति स्कूल की स्कीम लगभग आदि कर दी, और वो आदि में भी कितना बड़ा घोटाला आपके सामने है। तो गरीब आदमी परेशान, किसान परेशान, नौजवान परेशान, छोटा व्यापारी आर्थिक मंदी की इतनी गहरी चोट। हमने बारी बारी कहा कि छोटे व्यापारी को राहत दो, कोरोना का टाइम है, बड़े बड़े प्रदेशों ने राहत दिया, राजस्थान में पूरी बिजली का बिल माफी कर दी छोटे व्यापारी की, मगर हरियाणा के अंदर 1 रुपए की स्कूल की फीस माफ हुई पंजाब में, मगर 1 रुपए का राहत हरियाणा के अंदर देने का काम नहीं किया। जनता त्रस्त मगर सत्ताधारी मस्त, और किस चीज में मस्त? अहंकार में मस्त। जनता त्रस्त, सत्ताधारी अहंकार में मस्त। आपने देखा क्या हुआ? ऐसा अहंकार, वो अहंकार केवल फरसा चलाने तक का अहंकार नहीं था जो वहां डट गया पिछले विधानसभा चुनाव में, वो अहंकार पीपली में भी सर पे चढ़ के बोला, लाठीचार्ज हुई। मुख्यमंत्री जी ने ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि लाठीचार्ज की इंक्वायरी मैं यहीं पे पूरी करता हूँ, बंद करता हूँ। किसान पे कोई लाठीचार्ज नहीं हुई, किसान के दिल पे लाठियां चली है। जो लाठीचार्ज पीपली के अंदर हुई उसका हिसाब किताब पूरा कर, उस घमंड का, उस अहंकार का, जिस अहंकार में डूबी है सरकार। और क्या अहंकार, इतना अहंकार। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई अभी पीछे मेरे बारे में कहा कि मैंने घर बिठा दिया उनको, इतना अहंकार। प्रजातंत्र में लोग फैसले करते हैं, व्यक्ति फैसले नहीं करते। एक व्यक्ति है, हर व्यक्ति की बराबर की वोट है, मगर बहरहाल तो अहंकारी सरकार, जनता त्रस्त, और इस सरकार के कार्यकाल और कार्यशैली का हिसाब किताब बड़ौदा में हम तय करवाएंगे, लोगों के बीच में लेके जाएंगे, कांग्रेस के कार्यकाल को लेके जाएंगे। पहला हमारा मुद्दा ये है जनादेश, यहां से रेफरेंडम होगा इस सरकार पे। पहला हमारा मुद्दा है रेफरेंडम इस सरकार की कार्यशैली। पूरा हरियाणा यहाँ आएगा, पूरे हरियाणा से कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ आएंगे। मैं आप लोगों के माध्यम से आह्वान करता हूँ, सभी अपने साथियों से आह्वान करता हूँ, हरियाणा के जिस भी कोने में आप आओ, आज ये सारे हमारे सारे जो वरिष्ठ जो लोग हैं, आज जयप्रकाश जी को और हमको जो भेजा है हुड्डा साहब ने, यहाँ की सबसे सलाह मशवरा करके सारे जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं कि इलेक्शन के लड़ने की हम आगे की रणनीति तय करें। और हम तो बोरिया बिस्तरा लेके आए जयप्रकाश जी, और हम तो आज से यही रुके हुए हैं, यही मतलब सूर्या गार्डन में ही रुकेंगे, ऊपर घुमरा आपको पता है। तो बाकी भी सारे हमारे वही साथी यही है, तो सारे हमारे पूरे हरियाणा कोने कोने से लोग आएंगे, सब टकटकी लगा के बड़ौदा की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि बड़ौदा का फैसला बड़ौदा नहीं रुकेगा, बड़ौदा का फैसला चंडीगढ़ तक जाएगा। ये न्याय और अन्याय की लड़ाई है। 6 साल हरियाणा का जो नुकसान कर दिया इतना, आज हरियाणा की क्या रूपरेखा होती मैं बताता हूँ आपको। आज हरियाणा की ये रूपरेखा, अब मैं केवल आसपास बता देता हूँ, हरियाणा की ये रूपरेखा होती, जॉली लाख में IMT होती, रेल कोच फैक्ट्री होती, बड़ी बड़ी उद्योग यहाँ पे लग रहे होते, खरखौदा की IMT के अंदर देश विदेश की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग चुकी होती, महम के अंदर एयरपोर्ट होता, जो एयरपोर्ट मैं कह रहा हूँ जो मंजूर हो चुके थे प्रोजेक्ट, खानपुर की जो कानपुर का जो अस्पताल है आज वो दुगना तिगना होता, खानपुर की यूनिवर्सिटी दुगनी तिगनी होती, मेट्रो भादुगढ़ से अभी चलकर सापड़ा तक आज आ गई होती, सोनीपत पहुंच गई होती, खरखौदा तक मेट्रो पहुंचाने का रास्ता साफ हो गया होता। ये आसपास की मैं रूपरेखा बता रहा हूं, मगर इस सब पे ब्रेक इन्होंने लगाने का काम किया। तो पहला तो प्रदेश पे रेफरेंडम, दूसरा बड़ौदा हल्का, बड़ौदे हल्के का अपमान, बड़ौदे हल्के के साथ भेदभाव, इस पूरे इलाके के साथ भेदभाव, इस पूरे इलाके का अपमान,
छह साल से मैं सवाल पूछता हूं इस सरकार से, मैं मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछता हूं, सारे मंत्रियों से सवाल पूछता हूं, छह साल में एक भी मंत्री या मुख्यमंत्री क्या बड़ौदा में एक बार भी नहीं आ सकते थे? कोई सरकारी कार्यक्रम तो छोड़ो आप, कोई सरकारी कार्यक्रम तो छोड़ो जिसमें आए हो, कोई शिलान्यास उद्घाटन, किसी के घर चाय पीने भी नहीं आए। मुझे याद है जब पिछली बार मैंने बात कही थी तो आप में से पत्रकार साथी ने कहा था कि शायद आप अपनी चाय में चीनी कम डालते हो, इसीलिए शायद नहीं आए पूरी सरकार, छह साल मुख्यमंत्री जी नहीं आए। नहीं, चीनी तो हम पूरी डालते हैं, पूरी गाल के चीनी, मगर चीनी हमारी चीनी मीठी, जिनको कम लगे उसका हमें इलाज नहीं, चीनी तो पूरी डालते हैं। छह साल में एक बार क्या बड़ौदा हरियाणा के मानचित्र पे नहीं था ये हल्का? आप गरज है, पिछले छह महीने से जब से इलेक्शन है तब से मारे मारे फिर रहे हैं, मगर छह साल में कहां थे? हरियाणा छोटा सा प्रदेश है, छह दिन में हरियाणा के एक एक विधानसभा क्षेत्र में कोई जा सकता है, मगर छह साल तक बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखा कि ये भी कुछ लोग हैं, इनका भी कुछ वजूद है। और फिर क्या कहा, घमंड, इतना घमंड, एक मंत्री है उन्होंने कह दिया कि एक चुनाव से कुछ नहीं होता। पहले तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई खीर खा लो, यही कहा ना भाई सरकार में, क्या कहा था कि भाई सरकार में शामिल हो जाओ और भाई जो है सरकार की खीर खा लो, यही कहा था ना? मैं गलत तो नहीं कह रहा, मैं तो आप लोगों से चेक कर रहा हूँ, खीर खा लो। मैं उसने आपसे पूछना चाहता हूँ, खीर यहाँ पे बहुत खा के देखी है, सारे मंत्रियों की खीर खा के देख ली, कुलदीप वत्स बैठे हैं अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, धनखड़ साहब वहां मंत्री थे, बादली ने भी खीर खाई, भारत भूषण बत्रा जी बैठे हैं, मनीष ग्रोवर जी मंत्री थे उन्होंने भी खीर खाई सरकार की, सुरेंद्र पवार जी साथ बैठे हैं, सोनीपत से मंत्री थी कविता जी, वहां भी लोगों ने खीर खाई, खीर खा के कितने से हराया, और जींद के लोगों ने भी खीर खाई। मीडा साहब का बयान देखा होगा अभी पीछे, जब जींद में बारिश हुई तो सड़कों पर से पानी बहता था, जींद में तो बाई इलेक्शन में कहा था कि ये बाई इलेक्शन जिता दो जमा बढ़िया वाली खीर खिलाएंगे, इसीलिए जींद ने तो बाई इलेक्शन जिताया, सरकार बन गई उसके बाद, और लोगों ने जो इतना साथ दिया मगर इतना धोखा जींद के लोगों के साथ हुआ। और करनाल में भी जाके आप पूछ लो कि लोग, वो तो लोगों को पता नहीं था, अंदाजा नहीं था ना, तो करनाल के अंदर भी पूरे हरियाणा को आज, और जो जो सरकार, तो ये सरकार क्योंकि सरकार, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सरकार एक बात कहती है, सरकार के मंत्री कि भाई खीर खा लो यहाँ से सरकारी बना दो, तो सरकारी भी देख रखा है इस इलाके में। और मैं तो भूल गया, बलबीर वाल्मीकि जी बैठे हैं साथ वाला, इनका भी हल्का, इनके भी ट्रांसपोर्ट मंत्री थे, उन्होंने उनकी इनकी जो है इसराना में भी खीर खाई थी, है भाई खाई थी खीर, इसराना के भी ट्रांसपोर्ट मंत्री थे, मगर राजौर में भी मंत्री थे, मगर उसके बाद क्या हुआ, भीषण साल सैनी जी बैठे हमारे वहां से विधायक राजौर से, जितने मंत्री थे सारे के सारे मंत्रियों को लोगों ने जो है जबरदस्त बहुमत से उनको हार का मुहूर्त देखना पड़ा। ये कार्यशैली थी इनकी पांच साल की, और अब तो और भी ज्यादा नाश करने पे लगे क्योंकि अब तो दोनों मिल गए। तो ये दूसरा हमारा जो जो है वो बड़ौदा की, जो बड़ौदा के साथ जो नाइंसाफी हुई है, कोई एक काम नहीं हुआ, भेदभाव हुआ है और अपमान हुआ है। बड़ौदा के लोग जब गए हर बार इस सरकार के नुमाइंदों के पास, अपमानित किया, नया काम किया। जब मुरलाना ब्लॉक के सरपंच गए तो कहा कि तुम वोट तो देते नहीं, जब धनखड़ साहब के पास गए थे पंचायती राज मंत्री थे, आप ग्रांट लेने आ जाते हो तो उनका अपमान हुआ। जब मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब के पास गए कि 20 दिन में नहर चलती थी, हुड्डा सरकार के साम समय आप नहर में पानी दो और नहीं तो कम से कम ड्रेन में पानी छोड़ दो, छुड़वा दो, तो नहर में पानी का था ड्रेन में तो बोले ये तो अपना गंदा गंदा नाला है, क्या कहा था गंदा नाला, उस गंदे नाले में 10 साल सरकार रही, हुड्डा सरकार 10 साल तक पानी चला इस इलाके, गाँव गाँव को किसान के खेत को सींचने का काम किया उस गंदे नाले में, जिसको गंदा लगने लगा इनकी सरकार। तिरस्कार, इस बड़ौदा हल्के के 36 बिरादरी की मान सम्मान की पगड़ी पे ठोकर मारी सरकार ने, अपमान किया बड़ौदा हल्के का, अब किस मुंह से वोट मांगने आ रहे हैं? तो दूसरा हमारा पहला मुद्दा प्रदेश सरकार की का रेफरेंडम, दूसरा मुद्दा बड़ौदा के अपमान और भेदभाव का जवाब, और तीसरा मुद्दा हरियाणा में राजनीतिक भविष्य की लड़ाई, हरियाणा की राजनीतिक भविष्य को तय आने वाले समय के को तय बड़ौदा का चुनाव का नतीजा करेगा। ये प्रत्याशियों की बात से सबसे बड़ी बात यहाँ पे, यह चुनाव साधारण चुनाव नहीं, ये चुनाव कोई
केवल इंदुराज नरवाल बनाम योगेश्वर दत्त का भी चुनाव नहीं, ये चुनाव सरकार के घमंड और बड़ौदा की छत्तीस बिरादरी का चुनाव है। ये चुनाव इस बात का है कि आने वाले समय में हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे या मनोहर लाल खट्टर बनेंगे, इस बात का चुनाव है। हरियाणा के राजनीतिक भविष्य को तय करने का किस दिशा में जाता है बड़ौदा का, बड़ौदा से जो फैसला होगा, इस बात का चुनाव है। 10 साल की जो हुड्डा सरकार की कार्यशैली थी, उस कार्यशैली को जो छत्तीस बिरादरी का एक मान सम्मान के साथ हरियाणा आगे बढ़ा था, एक तरफ वो कार्यशैली है और एक तरफ छह साल की खट्टर सरकार की जो कार्यशैली है, इस बात का चुनाव है। आने वाले समय में हुड्डा साहब बनेंगे खट्टर साहब या खट्टर साहब बनेंगे, इस बात का चुनाव बड़ौदा का जो फैसला है उस बात का फैसला होगा बड़ौदा के विधानसभा चुनाव से। हमारे जो प्रत्याशी हैं, हुड्डा साहब ने कल एक बात कही थी कि पिछली बार चुनाव में जब वे आए थे तो क्षेत्रवासियों ने एक मांग करी कि अगले कि आपका हमने हमेशा कहने से साथ दिया, पंचायती तौर से पूरे इलाके ने उस समय मांग करी, स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा जी भी उनके सामने ये मांग हुई कि अगली बार आप हल्के के प्रत्याशी को देना, हल्के में से किसी को अपने साथी को आप अगली बार यहां से चुनाव के मैदान में उठाना। और उस पंचायत में पूरे बड़ौदा हल्के के सामने हुड्डा साहब ने कहा कि भाई इस बार आप मेरे कहने से साथ दो, अगली बार ये जो बात है आपकी इस बात को मैं सिरे चढ़ाऊंगा, अगली बार विधानसभा आपके बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र से ही किसी को मौका हम दिलवाएंगे, ये बात कही पंचायत में हुई। तो मुझे खुशी है कि एक जो बात की गई आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उसको सिरे चढ़ाने का, कांग्रेस पार्टी ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के की सलाह से उसको सिरे चढ़ाने का काम किया गया है। हमारे जो प्रत्याशी हैं, मुझे इस बात की भी खुशी है कि ऐसे नौजवान को टिकट मिली है, भाई इंदुराज नरवाल जो एक साधारण परिवार से, गरीब परिवार से, एक किसान परिवार से आते हैं। कुछ लोग इस बात को उनकी कमी बताते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई किसी की शराफत कमजोरी नहीं हो सकती, किसी की शराफत, और अगर कोई सीधा है तो कोई सीधा है या उसकी शराफत है ये कमजोरी नहीं, किसी की अमीरी या गरीबी उसकी कमजोरी नहीं है, यही तो हमारी लड़ाई है, ये उसकी ताकत है। वो हमारे उम्मीदवार की वो बड़ी ताकत साबित होगी जो उनका बैकग्राउंड है, और मुझे विश्वास है जो बीजेपी जिस पैसे के घमंड में जो बीजेपी के लोगों ने बताया कि भाई ये अमीरी और गरीबी की बात करी, जो पैसे के भी घमंड में ये बीजेपी वाले जिन्होंने रोहतक लोकसभा में पहुंचने में मुझे रोकने के लिए हजारों करोड़ पानी की तरह बहाने का काम किया, पैसे की घमंड में, हमें पता है बड़ौदा में भी पानी की तरह पैसा बहाने की ताक में, साजिश और षड्यंत्र रचने की ताक में, पैसे के बलबूते पे वोट काटो उम्मीदवार उतारने की ताक में, मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश के लोगों ने देखा है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी साजिश और षड्यंत्र के माध्यम से अपने को सत्ता में बनाए रखने के लिए पिछले कई वर्षों से प्रदेश में काम कर रही है। उस भाजपा के पैसे के घमंड को भी बड़ौदा के एक गांव का एक गरीब घर का लड़का यहां से बड़ौदा के लोग जिताकर बीजेपी के उस घमंड को तोड़ने का काम करेगी, और केवल वोट नहीं, वोट और नोट से, क्योंकि साधारण परिवार से तो बड़ौदा के हमारे मतदाता वोट साथी भी देंगे, और कोई दूसरा जाएगा तो कूण में सोट भी दे रखा, सोट भी देंगे तो वोट और नोट से, और सोट तीनों चीज तो वोट और नोट से उनका जो है पूरा
जो है साथ तो सहयोग करेंगे और पूरी बहुमत से हमारे उम्मीदवार इंदुराज नरवाल यहां से जीतेंगे ऐसा हमें तो हमारा जो मुद्दा है बड़ौदा का विकास का मुद्दा है, प्रदेश के एक सरकार के खिलाफ रेफरेंडम का मुद्दा है, प्रदेश की राजनीति को एक नई दिशा में लेके जाने का और प्रदेश के भविष्य का फैसला कि भविष्य में चंडीगढ़ में, और हमारा मुद्दा किसान और किसान विरोधी सरकार जो मैंने हर वर्ग की बात करी, खास तौर पे किसान का आंदोलन चल रहा है, मजदूर का आंदोलन चल रहा है, कर्मचारियों का आंदोलन चल रहा है, तो किसान और किसान विरोधी सरकार का भी हिसाब किताब हम तय करेंगे। बाकी कोई आपके दो चार प्रश्न है, दो चार आपका जो नेता शामिल हुए हैं आपने बड़ा अच्छे से शुरू में ही बताया देखिए, दोनों बात एक ही है। आज आप वहां होते तो उनकी सारी बात आप सुनते। जिस पार्टी में अहंकार और घमंड इतना हो कि वो आम व्यक्तियों की, किसान गरीब मजदूर की बात तो छोड़ की बात दूर की बात है, अपने वरिष्ठतम पदाधिकारियों की से इस प्रकार से बात करें तो मैं समझता हूँ उस पार्टी का की नीति ही घमंड है। और दूसरा, प्रदेश में परिवर्तन को लेकर वो शामिल हुए हैं, उन्होंने जो आज घोषणा करी है, उन्होंने कहा है कि उनको ये विश्वास हो गया है कि प्रदेश में परिवर्तन हुड्डा साहब के नेतृत्व में हम लोग ला सकते हैं, तो इसीलिए उन्होंने मुझे आज बुलाया और उन्होंने कहा कि उस परिवर्तन में दीपेंद्र आपके साथ कंधे से कंधा मिला के मैं चलूंगा, प्रदेश में आप परिवर्तन ला सकते हैं आप लोग, और इसीलिए पूरा पूरी भारतीय जनता पार्टी की पूरी यूनिट हिसार की आज वहां पे शामिल हुई। बस ये लास्ट आप सत्ता में होते हैं तो विपक्ष जो है वो कपड़े उतार के सड़कों पे प्रदर्शन करता है, और जब आज वो सत्ता में है तो आज फिर से विपक्ष किसानों के साथ खड़ा प्रदर्शन करा, लेकिन किसानों की देखो जो उन्होंने बोली है किसान की, जहाँ तक हमारे टाइम की और अब की बात है किसानों के लिए, जब हमारी सरकार थी प्रदेश में तो किसान खुशहाल था, बिजली के 1600 करोड़ के बिल की बिलौती माफी हुई, इन्होंने 1 रुपया भी माफ किया बताओ, कोऑपरेटिव का कर्जा माफ हुआ 72,000 करोड़ का पूरे देश का, 2200 करोड़ का हरियाणा का, इनका 1 रुपया माफ हुआ बताओ, ब्याज माफ हुआ हमारे समय 853 करोड़ का, इनने कुछ किया हो बताओ, कोऑपरेटिव का ब्याज दर 12% से घटाकर 0% पे लाने लेके जाने का काम किया, धान 4-5 हजार क्विंटल तक गई, गन्ना पॉपुलर, आप ये सैनी साहब बैठे मेवा सिंह जी बैठे इनसे जितना भाव मिला हमारे समय, और यहाँ तो जो है पीआर तो ले रहे हैं मगर कोई अगर 11-21-1500-9 जो 4-5 हजार क्विंटल पे पहुंच गई थी वो कोई लेके जाए तो उसको एमएसपी भी नहीं मिल रही, एमएसपी जितना भाव भी नहीं मिल रहा। तो किसान के लिए इस सरकार ने किसान को बहुत, और अब तो एमएसपी की लड़ाई बना दी, किसान के अस्तित्व की लड़ाई बना दी, खासतौर पर हरियाणा पंजाब के किसान के अस्तित्व बना दी। धनखड़ साहब कह रहे हैं जो 2100 धान का रेट हो उसके लिए अपने जो है कमीज उतार रहे थे, आज वो ये कह रहे हैं कि खरीद व्यवहारिक नहीं है कि सरकार पूरी खरीद करे, आज वो ये कह रहे हैं कि सरकार लंबे समय तक सरकार खरीद करेगी, ये व्यवहारिक बात नहीं है, आपने देखा होगा उनका बयान। जेपी दलाल का बयान आया है कि पहले हुड्डा साहब ने सहजा से बदला लिया था, अब सहजा ने हुड्डा से बदला लिया, टिकट को लेकर दो इस प्रकार की बात सामने आ रही है, कांग्रेस पार्टी अपने को खुद ही निपटा लेती है। ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी पूर्णतः एकजुट है, एकजुटता से फैसला लिया गया है, हमारे उम्मीदवार इंदुराज नरवाल हैं जो हमारे उम्मीदवार हैं, जो जिन जो आपको उनका पृष्ठभूमि पता है इंदुराज नरवाल जी की, मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिए जो पिछले 15-20 साल से, जब से मैंने सक्रिय राजनीति की तरफ कदम उठाए थे तब से लेकर आज तक हरियाणा के किसी कोने में, बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के से लेकर हरियाणा के किसी कोने में कहीं किसी संघर्ष की, किसी वर्ग के लिए आवाज उठाने की आवश्यकता हुई, किसान के लिए गरीब के लिए, तो जिस भाई ने कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ देने का काम किया, मुझे खुशी है ऐसे एक भाई को आज कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया जिसकी पहचान केवल ये थी कि कांग्रेस पार्टी का दीपेंद्र भाई का कार्यकर्ता है,
मुझे खुशी है ऐसे भाई को टिकट देने का कांग्रेस पार्टी ने काम किया। उनके घर में जाता था, ऐसे गरीब परिवार से, तो उनके घर वाले मेरे को उलाना देते थे, दीपेंद्र तेरे साथ में तो हमारे भाई के खून भी बिकवा दिए, ऐसी परिस्थिति थी। मगर वो भाई कभी पीछे नहीं हटा था। ऐसे भाई को कांग्रेस पार्टी ने साथ देने का काम किया है और पूरी कांग्रेस पार्टी ने एकजुटता से ऐसे भाई का को एक उम्मीदवार को मैदान में उठाया है और पूरी एकजुटता से लोग भी साथ देंगे। तो बाकी जहां तक बीजेपी की बात है या दलाल साहब की बात है, वो क्या कहते हैं उनसे आज जो है हमारा कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुटता से। 2019 में जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इस क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं सोनीपत लोकसभा से, तो 66,000 वोट आते हैं। जब विधानसभा की बात आती है तो ऐसी भीतरघात होती है कि कांग्रेस 43,000 पे आ जाती है। क्या कांग्रेस इस भीतरघात को रोक पाएगी इस चुनाव में? देखो, बड़ौदा की जनता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ इस विधानसभा चुनाव में कोई भीतरघात नहीं करेगी। बड़ौदा की छत्तीस बिरादरी की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ और हुड्डा साहब के साथ कोई भीतरघात नहीं करेगी, मेरे को विश्वास है। और रिकॉर्ड तोड़ मतों से हम जीतेंगे। मैम से विधायक है बलराज कुंडू, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंजाम लगाया है कि जो आपके इंदुराज नरवाल है उनका जो फार्म है वो अनकम्प्लीट है, तो स्क्रूटनी होली 2 बजे स्क्रूटनी होली वहाँ पता, तो आरओ से पता करो ना उसमें इनकम्प्लीट है वो कम्प्लीट है। वो सवाल ये स्क्रूटनी के बाद कोई इश्यू नहीं रहा। ये वो इश्यू नहीं होता, वो तो नोटिस भी देता है, वो जो मर्जी करता है। ये ऐसा है, वो अपनी जेब मिटा रहे हैं। हाँ जी, मेंटली डिस्टर्ब्ड आदमी है ये, दानी साहब बता रहे हैं और दानी साहब उनको उसके बारे में पूरा जानते हैं। और वो अपनी जेब, देखो ऐसा है, सबके सामने की बात है। ऐसा है एक बात और रही थी भाई, ये इस बात का भी चुनाव है। ये देखो भाई, एक बात और रह गई थी, आप लिख देना, आप बेशक लिख देना कि उम्मीदवार इंदुराज नरवाल के साथ दीपेंद्र भी उम्मीदवार है, आप लिख देना। तो आप प्रत्याशी की बात कर रहे हो ना, आप लिख देना, अगर जितनी प्रत्याशी की साख दाव पे उतनी मेरी भी साख दाव पे इस हल्के से, मैं ये आप बात लिख देना। और भाई दूसरी बात, जहां तक प्रत्याशी, एक और जो चीज का फैसला होना है, एक बात रह गई थी, एक मुद्दा और है, न्याय और अन्याय का एक और मुद्दा है, धर्म और अधर्म का एक और मुद्दा है, जनादेश की पीठ में छुरा घोंपने का मुद्दा है। हम सही हैं कि वो सही हैं जो जमुना पार की बात करते थे और 75 पार में जाके वोट देते थे विधानसभा में, वोट लिए इस नाम के कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे और बीजेपी को सत्ता में बिठाने का काम किया। बीजेपी और जेजेपी पार्टी दोनों पार्टियों ने मिलकर ये उम्मीदवार उतारा है, क्या उन्होंने ठीक किया? जनता से वोट ली कि इनके खिलाफ इनको सरकार से बाहर करे, और जनता ने, उन भोली वाली जनता ने, हरियाणा की भोली वाली जनता ने विश्वास किया कि सत्ता से बाहर बीजेपी को करने का रास्ता है, या तो कांग्रेस को दे दो या इनको दे दो, क्योंकि ये भी कह रहे हैं जमुना पार बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे। हरियाणा की भोली वाली जनता उनकी बातों में आ गई, मगर राजनीति में ऐसी गिरावट, ऐसी राजनीति में गिरावट, उसके बाद कौन किस पे विश्वास करेगा? जो मौका परस्ती, जनता से धोखा, क्या वो सही था कि गलत था? यह जनादेश हम इस बात पे भी लेंगे, क्या वो सही था कि गलत था इस बात पे भी हम जनादेश लेने का काम करेंगे। प्रश्न आपका हो गया ना, कपूर नरवाल ये कह रहे हैं और वो राजनीति का शिकार हुए हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनका पक्ष जरूर रखा था, लेकिन कहीं ना कहीं सैलजा और जो सुरजे वाले हैं उनके कारण उनकी टिकट कट गई। ऐसा है, जो प्रत्याशी को लेकर मैंने बात करी, मैंने अपनी बात कह दी। देखो, पार्टी है कांग्रेस पार्टी,
कोई भी दल होता है उसमें बहुत से संभावित उम्मीदवार अपने अपने दावेदारी पेश करते हैं। सबका मान सम्मान है, बहुत से आज यहाँ भी बैठे हैं, कल साहब बैठे हैं, बहुत से लोग बैठे हैं जिनने और अपना दावेदारी पेश करी थी, मगर दुर्भाग्य से संवैधानिक व्यवस्था ये है कि एक ही व्यक्ति को टिकट मिल सकती है जी, मगर जो फैसला हो जाता है टिकट पे तो यही प्रयास होते हैं कि अपने घर कुनबे के सभी लोगों को मनाया जाए और एकजुटता से चुनाव में आगे बढ़ा जाए, और उसमें ये परख होती है कि कौन अपना है और कौन अपना नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि सभी एकजुटता से आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे, और इंदुराज नरवाल जो हमारे उम्मीदवार हैं उनका नाम इंदुराज नरवाल है और उनका साथ देंगे, कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। जैसे मैंने कहा, ये चुनाव उम्मीदवारों से भी बहुत बड़ा चुनाव है, अगर उम्मीदवारों का चुनाव होता तो आज हम उस पर ज्यादा लंबी बात करते। ये चुनाव हरियाणा के भविष्य का चुनाव है, यहां से अगर ताकत मिलेगी तो हरियाणा में जिस दिन नतीजा यहां से आएगा, जिस दिन बड़ौदा की गिनती खत्म होगी, जिस दिन बड़ौदा की गिनती खत्म होगी, मुझे विश्वास है उसी दिन खट्टर सरकार की उल्टी गिनती शुरू होगी। यहां से हम ताकत लेंगे, आशीर्वाद लेंगे और पूरे हरियाणा में परिवर्तन का बिगुल बजाने का काम करेंगे, और वो ताकत कांग्रेस पार्टी के साथ साथ हुड्डा साहब को और मेरे को व्यक्तिगत रूप से वो ताकत मिलेगी। कि अगले चार साल में इलेक्शन जीतने के बाद विकास की प्रारूप क्या होगा, क्या रूपरेखा होगी आपकी? मैं मानता हूं कि जहां तक बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र की बात है, मैं समझ गया जो आप कह रहे हो और आपकी पृष्ठभूमि में मैं समझ गया आपके दोनों सवालों से। मैं विश्वास दिला सकता हूं कि वो पृष्ठभूमि नहीं होगी जो सारे मंत्रियों की पृष्ठभूमि थी, हजारों मतों से जिनका लोगों ने परेशान होके उतने परेशान, और चार साल की आप बात कर रहे हैं। मैं मानता हूं जब ये चुनाव का नतीजा आएगा, ये सरकार पूरा अपना कार्यकाल की तो बात आप भूलो, जब सरकार जब इस नतीजा आएगा, वो नतीजा बहुत कुछ हरियाणा की राजनीति में बदलाव लेके आएगा। ये जो अंतर विरोधों से घिरी हुई सरकार है, जिस सरकार में दादा गौतम कुछ कह रहे हैं, जिस सरकार में जोगीराम सियाग कुछ कह रहे हैं, जिस सरकार में बबली कुछ कह रहे हैं, जिस सरकार में रामकरण काला कुछ कह रहे हैं, तो विधायकों के नाम ले रहा हूं मैं, असीम गोयल बोलने, जिस सरकार में असीम गोयल भाजपा के धरने पे बैठे हैं, जेजेपी के आधे से ज्यादा विधायक सरकार के खिलाफ बोल चुके हैं किसान की नीति पर, ये सरकार तीन टांगों पे, एक जो कुर्सी होती है उतनी स्थायी सरकार है, एक टांग जिस सरकार की, एक टांग बीजेपी, दूसरी टांग जेजेपी और तीसरी टांग निर्दलीय, और तीनों टांग लंगड़ा रही है, जेजेपी लंगड़ा रही है, बीजेपी लंगड़ा रही है, और निर्दलीयों का तो आपको पता ही है ये सरकार कितनी स्थायी है। चार साल की भविष्यवाणी मैं समझता हूँ, हरियाणा में आप सर्वे करा लो, अगर हरियाणा के लोग ये जो है कि कितनी लंबी सरकार चलेगी, ये भी सर्वे बड़ौदा का सर्वे भी ये है, बड़ौदा में ये भी सर्वे कराएंगे, ये भी लिख देना बड़ौदा में हमारा पांचवा मुद्दा, चार थे मैं सोच रहा था पांचवा कौन सा, भाई ने ठीक बता दिया, पांचवा मुद्दा है सर्वे इस बात का कराएंगे सरकार कितनी लंबी चलेगी, पूरी चलेगी तो भाई जो है मान जाएगी। तो आप अगर जीतती है आपकी तो ऐसा कौन सा समीकरण लेके आ रहे हो जो सरकार गिराएंगे? जनता का समीकरण, जनता निर्दयी सरकार, घमंडी सरकार, किसान विरोधी सरकार, ये मैंने नाम लिए जो आपके जो विधायक, ये क्यों सरकार खिलाफ बोल रहे हैं? जब जनता सरकार के खिलाफ हो जाए तो इतनी अलोकप्रिय सरकार, ये प्रजातंत्र है देश में, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ
कि ये जब नतीजा आएगा बड़ौदा का तो इस सरकार की ज्यादा आयु नहीं रहेगी। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने सबका धन्यवाद करेंगे। हमारे जो सैनिकों की ये सारा सम्मान था। बहुत ही सम्मानित साथियों,